तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कैसे पृथ्वीराज चौहान के बयान पर या सुझाव पर, जिसे वो सुझाव बता रहे हैं, गलत तरीके से लेने की बात कर रहे हैं, उसे लेकर साधु संत, वीएचपी, बीजेपी सभी आपत्ति जता चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान सफाई में ये कह रहे हैं कि उनकी बात को गलत तरीके से ले लिया गया। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के नेता अपनी संपत्ति के बारे में कुछ क्यों नहीं कह रहे। मैंने जो सोचना की है कोई नई बात नहीं है। पहली बार इस प्रकार की योजना 1998 के पोखरान अणु विस्फोट के बाद पैदा हुई आर्थिक परिस्थिति का मुकाबला करने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 14 सितंबर 1999 को गोल्ड डिपॉजिट स्कीम आरंभ की थी, जिसके चलते सरकार के पास काफी सोना रखा गया। उसके पश्चात नवंबर 2015 में विद्यमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना में बदलाव किया और 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम नवंबर 2015 में एक नई योजना आरंभ की। इस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के पहले ही साल में देश के 8 मंदिरों ने अपने पास रखा हुआ सोना अलग अलग बैंकों में रखा। पृथ्वीराज चौहान जी से कह दिया जाए कि औकाफ के पास बहुत सारी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को प्लेज करने की मांग कर दीजिए, अभी इनकी जुबान सूख जाएगी। इनके पास भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, उससे भारत की अर्थव्यवस्था में क्वांटम जंप आना सुनिश्चित है। इसलिए इनकी इस तरह की हिंदू उत्पीड़क नीतियों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। तो कई सवाल खड़े हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान ने जो सुझाव दिया है उसके बाद जो सवाल है, सिलसिलेवार तरीके से आपको एक बार समझा भी देते हैं कि सिर्फ मंदिरों के, ध्यान से सुनिए, सिर्फ मंदिरों के स्वर्ण भंडार पर कांग्रेस की नजर क्यों है? वक्फ बोर्ड और चर्च की संपत्ति पर कांग्रेस खामोशी क्यों धारण किए हुए है? धर्मनिरपेक्ष भारत में मंदिरों के सोने पर ही नजर क्यों है? भाई धर्मनिरपेक्ष देश की बात होती है, सभी धर्मों को बराबरी से ट्रीट करने की बात होती है, तो फिर मंदिरों पर ही नजर क्यों? कोरोना काल में कांग्रेस का ये धार्मिक भेदभाव माना जाए क्या? और अपने ट्रस्ट से कांग्रेस नेताओं ने कितना दान किया है, ये भी अपने आप में बहुत अहम सवाल है। और ज्यादा डिटेल में इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वीएचपी के नेता विनोद बंसल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल तो यही, पृथ्वीराज चौहान ये कह रहे हैं उन्होंने जो सुझाव दिया, एक तो उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, लेकिन जो जी न्यूज पर हम बड़ा सवाल उठा रहे हैं वो ये, धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान में सिर्फ मंदिरों की बात क्यों? बिल्कुल अदिति जी, दो तीन बातें हैं बड़ी महत्व की हैं। वो ये कि जब हिंदू मंदिरों पर हमले होते हैं, जब पूज्य संतों पर हमले होते हैं, जब हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं और जब हिंदुओं के जो तीज त्योहार होते हैं और जो शोभा यात्रा निकलती है उस पर जो प्रदर्शन होते हैं जिहादियों के और बाकी लोगों के, तो उस समय पूरी कांग्रेस बिल्कुल उनके मुंह में दही जम जाता है, कोई नहीं बोलता। और जब मंदिरों की संपत्ति की बात आती है तो तुरंत यही सोनिया गांधी सरकार जो है ये मंदिरों के अधिग्रहण की बात करती है, पूज्य संतों पर हमले की बात करती है और उनकी संपत्तियां नजर आती हैं। अरे भैया, संपत्ति क्या कांग्रेस के पास कम है क्या? आज देश के अंदर जितनी भी योजनाएं चल रही है कांग्रेसी नेताओं के नाम से चल रही है ज्यादातर योजनाएं, और वो जो कांग्रेसी जो नेता हैं, आज अगर इन्वेस्टिगेशन करा लो कांग्रेस के सभी नेताओं का, पता लग जाएगा कि देश के जो 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 टोटल एक्सचेकर है उसका कितना परसेंट इनके अकूत संपत्ति जमा पड़ी है। अरे मंदिरों की संपत्ति की बात कर रहे हो, उस संपत्ति की बात कर रहे हो जो मंदिर प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर देश के सारे मंदिर बंद हो गए थे, लेकिन मंदिरों से चलने वाला सेवा कार्य अदिति जी अनवरत रूप से जारी है। आज देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई सेवा कार्य चला रहा है, आज देश के अंदर अगर इतना बड़ी विपदा के बावजूद भी, करोड़ों लोग बेरोजगार होने के बावजूद भी एक भी कोई भूख से मरते हुए नहीं देखा, वो सिर्फ मंदिरों, मठों, गुरुद्वारों, धर्म स्थलों, आश्रमों और ये जो बाकी जो हिंदुओं के जो मानविंदु हैं या हिंदुओं के जो निष्ठा और धर्म के प्रति जो समर्पण है उसी कारण हो रहा है, लेकिन चर्च के बारे में कोई नहीं बोलेगा। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई सर। कुल मिलाकर इसीलिए मैंने ये कहा कि जब हम धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान की बात करते हैं तो उसमें एक धर्म की बात क्यों की जा रही है, सभी धर्मों की बात की जानी चाहिए। और इसीलिए मेरा अगला सवाल है सर, और मेरा सवाल ये है, जब राष्ट्रीय आपदा का वक्त हो तो आपको नहीं लगता कि सभी धर्म स्थलों की संपत्ति नियंत्रण में ले ली जाए? मेरा मतलब सब धर्म स्थल,
इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, उसके लिए आप तैयार होंगे? अगर इसमें सब इंक्लूड हो जाते तो आपको आपत्ति नहीं होती ना, या तब भी होती? मुझे लगता है पीछे उल्टा अगर चलोगे तो आपको उसका प्रतिकार समझ में आ जाएगा। आपने मंदिर से शुरू किया ना जी, और वहां तक पहुंची। अदिति जी, अगर पीछे से चलोगे, अगर वहां से अधिग्रहण करना शुरू कर दो, कभी सबसे पहले जो मंदिरों ने अभी तक दान किया है, मंदिरों ने जितना अन्नदान किया है, जितने मंदिरों ने सेवा की है, उसके इक्विवेलेंट सेवा अगर ये कर दें तो मैं चैलेंज करता हूं। आप देखिए एक वक्फ बोर्ड के पास में कितनी अकूत संपत्ति पड़ी हुई है, किसी ने आज तक नहीं बताया। और ये जो चर्च है, रेलवे के बाद अगर ये जो लैंड ऑनर देश का सबसे बड़ा है, तो चर्च है, मिशनरीज हैं, उनके पास अकूत संपत्ति पड़ी है, पेट्रोडॉलर कितने आ रहे हैं, किसी कोई हिसाब किताब नहीं है। आखिरकार मैं कहता हूं पहले उनको बराबर कर लिया जाए। मंदिर तो वैसे ही समर्पण के केंद्र है भाई, वो तो सेवा के कार्य। आप देखिए मंदिरों से इतने सेवा कार्य चलते हैं, और जितने जितने जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलते हैं, जितने औषधालय और हॉस्पिटल चलते हैं, जितने अन्य क्षेत्र चलते हैं, जितने जो है ये जो एम्प्लॉयमेंट के योजनाएं चलती हैं, वो अगर किसी एक से भी चल जाए तो देश करते करते हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि ये नेता जो नहीं, है, लेकिन विनोद बंसल जी, आपसे सवाल पूछ रहे हैं सर, उसका भी तो जवाब दीजिए आप मुझे। मैं तो सब धर्मों की बात कर रही हूँ सर, मैं तो किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं राष्ट्रीय आपदा की बात कर रही हूँ। मैं राष्ट्रीय आपदा के दौरान एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की बात कर रही हूँ। देखिए प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर, संपूर्ण हिंदू समाज एक हो गया और शब्द से उसका पालन कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री कहेंगे कि पूरे संपत्ति बेच दो, हिंदू समाज संपत्ति को बेच देगा। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं इस बात को। क्यों? क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामय में बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम में बात करते हैं, हम उस समुदाय के व्यक्ति हैं जो कि भारत माता की जय को अपने धर्म की जय से पहले प्राथमिकता देता है। अगर भारत माता नहीं रहेगी मेरी, तो मेरा धर्म कहां रहेगा अदिति जी? इसलिए हमसे ये प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार प्रधानमंत्री कह के देखें, हम सब कुछ समर्पित कर देंगे। सर, मैंने तो आपसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब आप इस वक्त भी नहीं दे रहे मुझे। ठीक है सर, ठीक है। साधु संत समाज इस समय गुस्से में क्यों है? गुस्से में क्यों है पृथ्वीराज चौहान के उस बयान पर? जरा सुनिए पहले आप। तो जितने कांग्रेसी नेता हैं, 5 लाख से ज्यादा जिनकी संपत्ति है, सबका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और इन सब नेताओं का नार्को टेस्ट कराना चाहिए। मंदिरों की संपत्ति मंदिरों की है और मंदिरों को रहना चाहिए। कांग्रेस अपने मुगलिया अवतार और सोनिया गांधी अपने मूल रोमन कैथोलिक चर्चों की प्रतिनिधि के तौर पर उभर कर सामने आई है। हिंदू मंदिरों का सोना हिंदू समाज की संपत्ति है, न कि सरकार की संपत्ति। और अगर मंदिरों का सोना गिरवी रख करके सरकार चलानी है तो सरकारें मंदिर के हवाले कर दीजिए। धर्मनिरपेक्षता का ढोल पीटने के साथ ये सब शब्द इस देश में नहीं चलेंगे। तो आपने साफ साफ सुना, एक तरफ धर्मनिरपेक्षता की दुहाई, दूसरी तरफ सिर्फ मंदिरों की कमाई पर नजर, मंदिरों को मिलने वाले दान पर नजर। चलिए आपको दिखाते हैं, आप जानते हैं जब से देश में कोरोना संकट है, धार्मिक स्थल बंद हैं और नियमों को बहुत ही स्ट्रिक्टली लागू किया जा रहा है, कितना दान घटा है। आप सोचिए हर माह करीब 200 करोड़ रुपए का जो दान है नुकसान हो रहा है तिरुपति बालाजी को, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। पिछले 2 माह की अगर बात करें तो, क्योंकि मार्च के लास्ट वीक से आप लगा लीजिए और अब हम मई में है, तो 2 माह में 400 करोड़ रुपए का नुकसान तिरुपति बालाजी को हो चुका है। वहीं माता वैष्णो देवी मंदिर में करीब 60 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका, यानी ये दान घटा है। लोग अपनी श्रद्धा से देते हैं तो नुकसान और फायदा नहीं, लेकिन जो दान मिलता है ट्रस्ट को, उसकी बात यहां पर कर रही हूं। 2 महीने में करीब 100 करोड़ रुपयों का दान नहीं मिल पाया साई बाबा ट्रस्ट को, सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए का ऑनलाइन डोनेशन मिला है। ये वो मंदिर है जहां पर भक्तों की भारी भीड़ लगती है। इसके अलावा पद्मनाभ स्वामी तिरुवनंतपुरम केरल के मंदिर की बात करूं तो लॉकडाउन से मंदिर को करीब 6 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। आपको यहां पर यह भी समझना है, ये मंदिर सिर्फ दान लेते नहीं है, ये बहुत सारा चैरिटी का काम करते हैं, ये भूखों को खाना खिलाते हैं, मजबूरों की मदद करते हैं। तो ये जो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कमाई है, दरअसल ये कमाई नहीं है, ये श्रद्धा है भक्त की, जिसका इस्तेमाल ट्रस्ट द्वारा लोगों की सेवा में किया जाता है। लेकिन विनोद बंसल जी, फिर वही मेरा सवाल आपसे है। मैं समझती हूं धर्म, एक तरफ धर्म निरपेक्षता का जो ढोंग
और या मुझे कहना चाहिए ढिंढोरा पीटते हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं, वो गलत है। लेकिन मेरा सवाल राष्ट्रीय आपदा से जुड़ा हुआ है, मैं तीसरी बार आपसे यही सवाल पूछ रही हूं। अगर सभी को एक दायरे में लाकर खड़ा किया जाए, और राष्ट्र का आपने खुद कहा कि भारत माता है तब सब कुछ है, तो भारत माता के लिए है ना सर, एक पॉलिसी की बात मैं यहां पर कर रही हूं। बिल्कुल अदिति जी, मैं बिल्कुल शब्द से टू द पॉइंट आपको कहता हूं, एक बार प्रधानमंत्री जी आग्रह कर दें कि कोई संपत्ति किसी की नहीं होगी, मैं कहता हूं कि पूरा देश सब कुछ समर्पित कर देगा, सब स्वाहा कर देगा। आप तो मंदिरों की बात कर रहे हो, विनोद बंसल और विष्णु प्रसाद या जो भी संस्थाएं हैं देश के अंदर, आखिरकार उसकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? जब देश पर आपदा है तो सब कुछ स्वाहा करने को हिंदू समाज तैयार है, लेकिन क्या वो चक्र? No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.